श्री कष्ट निवारण बालाजी सेवा परिवार द्वारा जन कल्याणार्थ के लिए चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन की शुरुआत कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर शर्मा जिम्पा, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बतौर मुख्य अतिथि व पंजाब एग्रो चेयरमैन मंगल सिंह, सब रजिस्ट्रार वन मनिंदर सिद्धू, श्री देवी तला मंदिर के महासचिव राजेश विज, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, डॉक्टर आशीष कपूर, डॉक्टर नवनीत कपूर, राजकुमार मदान, पवन सेतिया के साथ विश्व विख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता जिया किशोरी व आयोजक प्रमुख विधायक रमन अरोड़ा, महेश मखीजा, राहुल भारी ने दीप प्रज्वलित कर की। विश्व विख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता जिया किशोरी ने जालंधर वासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए स्वर की देवी मां सरस्वती की आराधना कर भजनों का गुणगान किया, जिसके बाद आध्यात्मिक प्रवक्ता जिया किशोरी ने ध्रुव अजामिल की कथा, विश्व रूप चरित्र ग्यासुर की कथा और भक्त प्रहलाद की कथा सुनाकर खचाखच भरे पंडाल में बैठे श्रद्धालुओं के मन को आनंदित कर दिया। उन्होंने कहा कि भागवत कथा सुनना और भगवान को अपने मन में बसाने से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा ने 5 लाख की राशि संस्था को भेंट करने की घोषणा करते हुए सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का लाभ प्राप्त करने की प्रेरणा देते हुए कहा कि भगवान की विभिन्न कथाओं का सार श्रीमद् भागवत मोक्षदायिनी है। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने 2.5 लाख की राशि संस्था को भेंट करने की घोषणा करते हुए कथावाचक जिया किशोरी के पंजाब जालंधर में दूसरी बार आगमन का श्रेय विधायक रमन अरोड़ा को देते हुए कथा की सफलता की बधाई दी। इस अवसर पर आयोजक प्रमुख विधायक रमन अरोड़ा के साथ महेश मखीजा, राहुल भारी, राजू मखीजा, राजू मदान, दविंदर वर्मा, अरुण आनंद, विनोद शर्मा, शिवम मखीजा, गौरव अरोड़ा, आतिश अरोड़ा, गीता अरोड़ा, राधा मदान, साक्षी अरोड़ा, बॉबी मखीजा, दीपिका बाहरी, ममता मखीजा, रमेश अरोड़ा, बिट्टू, दीपक कुमार, राज अरोड़ा, ऊर्जा मदान, श्याम शर्मा, सोनू बजाज, मनीष बजाज, हनी भाटिया, हितेश चड्डा ने अहम सहयोग दिया व बॉबी मखीजा को सराहनीय सहयोग देने हेतु गणमान्यों सहित विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। बहुत ही कृष्ण भगवान की कृपा है कि एड़ा भागवत सप्ताह है। मनु पिछली बार भी इस मंच से आके जय किशोरी जी का श्रवण करन का मौका मिलया और भगवान के चरणों नमन करन का मौका मिलया। और क्योंकि मैं पता ऑलरेडी लेट है, मैं कोई टाइम नहीं लेना। मैं धन्यवाद करदा अपने ब्रदर MLA थोड़े जलंधर रमन अरोड़ा जी का कि ये बड़े प्यार दे नाल और बड़े अदब दे नाल हमेशा ही कहते हैं जी चाहे एक मिनट के लिए आओ और जय किशोरी जी के घट तो घट दर्शन करके चाहे एक मिनट ले भगवान के चरणों मेरा उही कहते हैं ना भगवान का तो सिर्फ ख्याल ही आदमी उच्च कोटि उच्च लोगों जोड़ता है। सो मैं जिनी संगत बैठी है खास तौर पर पिछली बार भी मैं जो आया सी भैणा बहुत ज़्यादा गिनती है, भैणा और भरा अज भी बहुत ज़्यादा गिनती दे विच है। सो मैं ये जड़ा प्यार भरिया निमंत्रण है अरोड़ा जी का भागवत सप्ताह का, तो भागवत सानू जड़ी है ये परमात्मा के चरणों जोड़न वाली कथा है, वैराग्य की कथा है, मोक्ष की कथा है। सो ये बड़े भागा नसीब होंगी है और सानू हर वेले फिर सिमरन करन दे लई प्रभु चरणों लैके भी जाती है क्योंकि अभी जो सुनते हैं तो और खास तौर पर जय किशोरी जी और जो इदा जिन्होंने परमात्मा की ये ला ये कोई एक एक जन्मा का तप नहीं होंगे कि कई जन्मों तो चले आ रहा तो यह जहा जो जन्म है आदमी का सफल होंगे आके। सो मैं एक छोटी जी तो छोड़ा इन्होंने मेरी ड्यूटी लाई है तो मैं एक 5 लाख रुपया जोड़ा है इस सभा जरूर जोड़ा है रमन जी ने भजा देना। सो बहुत बहुत मैं सब तो बड़ी गल है मैं अपने वालों और अपने बहुत ही मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के वालों आम आदमी की सरकार वालों ये जोड़ा हैगा इतने अपनी हाजरी जी है प्रभु चरणों लगा रहा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। एक बार सारे रल के धन्यवाद कर दो। इन्होंने संस्था को 5 लाख रुपये देता है। मैं अपने वालों और अपने सारे साथियों वालों इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करता। एक बार जोरदार ताड़ियां लगा दो जी।
जयकारा है वीर बजरंगे। मुबारक जलंधर वालों को और पूरे पंजाब को जो यहाँ से आज जया किशोरी जी को सुनने के लिए पहुँचे हैं। आपका जया जी, आपका बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन, वेलकम टू पंजाब। और मैं तो खुद आपको सुनने आया हूँ, उससे ज़्यादा समय मैं बोल के बर्बाद नहीं करूँगा, आपको सुनना ज़्यादा पसंद करूँगा। सो बहुत बहुत सिर्फ इतनी बेनती कि बार 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 पंजाब आते रहिए। जब बड़े भाई रमन जी ने हुक्म किया कि आपने पहुंचना है, तो ऐसा लगा कि जैसे एक बड़े लंबे समय से जो दिली इच्छा थी वो भगवान ने पूरी कर दी है कि आपको सुनने का मौका मिलेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी, जय श्री राम। माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक में माँ बंगलामुखी जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में माँ बंगलामुखी धाम के संचालक एवं संस्थापक नवजीत भारद्वाज की देखरेख में हुआ। सर्वप्रथम मुख्य यजमान दीप्ति कौशल एवं जानू से वैदिक रीति अनुसार गौरी गणेश नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार कलश पूजन उपरांत ब्राह्मणों ने आए हुए सभी भक्तों से मां बंगलामुखी जी के निमित्त मालहा मंत्र जाप एवं हवन यज्ञ में विशेष रूप से आहुतियां डलवाई। तो वहीं हवन यज्ञ की पूर्ण आहुति के उपरांत नवजीत भारद्वाज ने आए हुए माँ भक्तों को सुमधुर स्वर में भजनों का गायन कर निहाल किया। नवजीत भारद्वाज ने कहा कि जीवन में हमेशा ध्यान रखें कि हमारे शब्द कैसे हैं, हम जो बोल रहे हैं हमारे शब्द दूसरों को मिठास देने वाले हों। कोई शब्द ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को दुख दे। कहते हैं कि मीठी वाणी गैरों को भी अपना बना लेती है। हम सभी किसी के निकट जाने का साहस उसकी मीठी वाणी सुनकर ही करते हैं। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, बलजिंदर सिंह, समीर चोपड़ा, रोहित भाटिया, एडवोकेट राजकुमार, श्वेता भारद्वाज, पूनम प्रभाकर, पूजा रूपम प्रभाकर, प्रीति, कनिका शर्मा, सरोज बाला, अमरजीत सिंह, केविन शर्मा, नवदीप, उदय, अमन सुखा, अजीत कुमार, संजीव शर्मा, राजेश महाजन, मनीष कुमार, अश्विनी शर्मा, धूप वाले, मुनीश शर्मा, दिशांत शर्मा, अमरेंद्र शर्मा, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, अनुज शर्मा, मनीष लूथरा, रिंकू सैनी, श्यामलाल, अभिलक्ष्य चुग, सुनील, राजीव, मनवीर सिंह, अवतार सैनी, मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, राजन शर्मा, गुरमत सिंह, गौरी, केतन शर्मा, प्रिंस ठाकुर, बलदेव सिंह, अजीत साहू, प्रवीण, दीपक, अनीश शर्मा, साहिल, मनी सिंह, ब्रजेश कुमार शर्मा, अशोक शर्मा सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय माँ बंगलामुखी, मेरा नाम प्रीति है। तो मैं इतने बंगलामुखी आँधी सी हवन किए सी, तो मेरे तो माता रानी ने बहुत कृपा की है। मेरी मनोकामना सी जो भी उन्होंने पूरी की है, मेरा वीज़ा सीगा तो मेरा वीज़ा आ गया। मैनू आज बहुत खुशी हुई है, माता रानी ने बहुत कृपा की मेरे से। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हाँ माता रानी का। इतने जेडे नवजीत भाजी आ, मैं उन्होंने भी बहुत आभारी कैनेडा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ कि मैं अज सच्ची बहुत खुशी हाँ मैं हुई है कि मेरा वीजा आ गया है तो मेरी मनोकामना पूरी हुई है। जय माता दी जी, जय माँ बगला मुखी। अज माँ बगला मुखी धाम जो कि गुलमोर सिटी स्थित है, माँ के इस भव्य मंदिर के अज सवेर तो ही कल बसंत ऋतु सी, तो उस तो बाद बसंत कल शुरू होया, उस तो बाद अज सवेर तो ही जिहड़ी संगतां दे विच वी सीगा ਉਹ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਅਸੀਮ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਸੀ ਉਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਗਦੰਬਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੌਕਿਕ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਧਾਮ 'ਚ ਜੋ ਕਿ ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਵਿ ਮੰਦਰ 'ਚ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਹਵਨ ਯੱਗੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਭਗਤ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਵਨ ਯੱਗੇ 'ਚ ਆਹੁਤੀਆਂ ਡਾਲ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਗਦੰਬਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਆ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਕਿ ਜਗਦੰਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਏ ਹੈ ਹੇ ਜਗਦੰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ। ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਗਤ ਆਏ ਆ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਰੀ ਹੋਈ ਝੋਲੀ ਮਹਾਮਾਈ ਕਰੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਮ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ। ਜਗਾਰਾ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਯੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਨ ਯੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਵਨ ਯੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਹੁਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ 9 ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 9 ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਰਾਹੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਧਾਮ ਗੁਰਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨੀ ਨਵਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक मां बंगला मुखी हवन यज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आचार्य पंडित चक्रदेव जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सभी देवी देवताओं का आवाहन कर अग्नि प्रज्वलित कर हवन का शुभारंभ किया। मां बंगला मुखी हवन यज्ञ में मुख्य यजमानों के रूप में उपस्थित हुए भक्तों ने हवन में आहुतियां देकर पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर गुरु माता नीरज रतन सिकंदर जी, देवेश्वरम सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, अंकुर मल्होत्रा, डॉक्टर मुकेश अरोड़ा, डॉक्टर मुकेश यादव, उषा देवी, मीना शर्मा, ललिता, नीलम रानी सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। माँ भगवती के इस पावन दरबार में आए हुए सभी संगत का हार्दिक अभिनंदन। माँ भगवती के इस पावन दरबार में हमेशा हम सर्वत का भला, विश्व में शांति के लिए और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए माँ बगला मुखी का जो पवित्र हवन करते हैं, इसमें देश विदेश से जितने भी हमारे संगी, हमारे साथी, हमारे साथ संगी जुड़े हुए हैं, उन सबको और आप सबको महारानी का आशीर्वाद प्राप्त हो। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो घर बैठे इस हवन का अलौकिक जो दर्शन कर रहे हैं, उन सबको भी माँ भगवती का असीम जो आशीर्वाद प्राप्त हो। माँ बगला मुखी संपूर्ण जगत में स्तंभन की देवी कहलाती है। स्तंभन की देवी के साथ साथ माँ बगला मुखी जो है वो किए कराए का कोई भी बड़े से बड़ा जादू टोना या कोई कोर्ट कचहरी का कोई भी ऐसा कार्य है उसको करने में
माँ बगला मुखी का जो मंत्र है, जो जाप है, वो सहायक सिद्ध होते हैं। कोहली गैस सर्विसेज के मालिक हरविंदर सिंह कोहली की माता मोहिंदर कौर कोहली, जो कि अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर गुरु चरणों में जाविराजी हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु कीर्तन एवं अंतिम अरदास गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब जीटीबी नगर जालंधर में की गई। इस मौके पर रागी जत्थों ने वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय मोहिंदर कौर कोहली की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस मौके पर रिटायर्ड जज एच एस मदान, जज संजीव बेरी, एडिशनल सेशन जज अशोक कपूर, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व CPS KD भंडारी, चरणजीत सिंह चन्नी, अमरजीत सिंह अमरी, डॉक्टर जसलीन सेठी, डॉक्टर सुनील कुमार, परमिंदर सिंह सहित पारिवारिक सदस्यों में बेटा हरविंदर सिंह कोहली, सतनाम कौर, दविंदर सिंह कोहली, दमनप्रीत कौर, SPS साहनी, हरजीत कौर, वरिंदर सिंह साहनी, बलविंदर कौर, भवन, पुनीत सिंह, करणवीर सिंह कोहली, करमनवीर सिंह कोहली, तननवीर सिंह साहनी, जसनीव साहनी, ईशु पुनीत सिंह कोहली सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय मोहिंदर कौर कोहली को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। जिस विच के भारत के प्रसिद्ध कीर्तनी है भाई साहब भाई रविंदर सिंह जी, हजूरी रागी दरबार साहब, जिन्हां ते वाहिगुरु दी अपार कृपा है, आप जपो अवरा नाम जपाओ जो के गुरु घर दा संतां नूं जोड़ रहे हैं। उस उपरांत भाई साहब भाई निशान सिंह जी जो हजूरी अरदासी हैं, जो रोज सवेरे दरबार साहब तो संतां लई अरदास करदे हन, अज उन्होंने माता जी वास्ते भी अरदास कीती है। सच्चे पातशाह उन्होंने अपने चरणां नवाज पक्षी पिछे सारे पाणा परिवार नूं पाणा मन दा बल बख्शी। उस मां जिस मां ने पैदा किया होवे, जिस मां ने ऐसा सुंदर खूबसूरत गुलदस्ता सजाया होवे कि अज आस्ट्रेलिया तो लैके भारत तक उन्हां दे जिहड़े बच्चे आ फुलवाड़ी फुल्लां वांग महक रही है, चहक रही है, टहक रही है। ये कोहली परिवार साढ़े समाज का, साढ़े जलंधर का एक एसेट है। सिर्फ एसेट बैंक गड्डिया घड़िया पैसा धन दौलत बिल्डिंग एसेट नहीं होंगे। एसेट वो चंगे लोग आ जिहड़े समाज में दुख दर्द नाल जिउंदे आ। जिवें भाई साहब ने कहा कि सरदार दविंदर सिंह कोहली साहब हमेशा ही किसी भी सिंह सभा गुरुद्वारा सब दे विच किसी भी तरह की कोई हाक उन्होंने पवे तो वह सब तो मूहरे जा खड़ते हैं। मौत ही जदों जीव माता के गर्भ चुंदा है, पांच चीज़ा निश्चित हो जाते हैं, एज, अर्निंग, एजुकेशन, प्रोफेशन एंड डेथ। यानी ना तो जन्म इंसान के हाथ है, ना मौत इंसान के हाथ है। इस धरती से आके कहो जे कर्म कर जाता है, कहो जी खुशबू मिला जाता है। इस महत माता महिंदर कौर जी कोहली नहीं रहे, लेकिन उन्होंने किए हुए कमां की खुशबू आज भी विद्यमान है। लाहौरी ज्वेलर्स के मालिक हरदीप सिंह अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु अंतिम अरदास गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मॉडल टाउन में की गई। इस मौके पर कीर्तनी जत्थों ने वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय हरदीप सिंह की आत्मिक शांति हेतु अंतिम अरदास की। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों में पत्नी स्वर्ण कौर, चरण सिंह, मनजीत सिंह, वीना, गौरव, पूजा, गुरुबख्श सिंह,
टीना साहिब एकम सहित राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय हरदीप सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। श्रद्धांजलि देने आए हाँ जिन्हें जिंदगी भर किसी का बुरा नहीं कटिया। यह सच्चे पातशाह की अजब कहानी, जिधर भी नजर दौड़ाई मतलब कराक च नजर आया पानी, चाहे पत्नी स्वर्ण कौर सी या बेटा गौरव सी, बहू पूजा सी या पोते एकम और साहब सी, बेटी टीना सी गुरबख्श सिंह सी, भैन पीना सी मनजीत कुमार जी, भरा चरण सिंह जी, भरा की गल आ गई चरण सिंह जी बड़े भाई साहब से। मैं तुम्हें एक छोटी जी घटना दसनी चाहता हाँ। 27 दिसंबर 1704 के गुरु गोबिंद सिंह के दो बच्चे, छोटे दो बच्चे फतेह सिंह ते जरावर सिंह नीह च चनाए जा रहे हैं। तो जरावर दियाँ अखा जिस तरह पानी की गल करता माड़ा जहा पानी आ गया। तो बाबा फतेह सिंह जी की कहते हैं, जरावर रह गई है, कहता मैं इस करके नहीं, मेरी अखा च पानी आया, मेरी अखा च पानी आया, मैं वड्डा पहला मेरी वारी चाहिए है। अभी वड्डा भरा बैठा तो छोटा चला जाए, गलत घटना है। अज इस परिवार के लोग शामिल होने वाले सारा समाज ही, चाहे राजनीतिक है या धार्मिक है या समाजिक है, इस परिवार के लोग शामिल हो। जोगिंदर पाल महाजन अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म पगड़ी श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में की गई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय जोगिंदर पाल महाजन की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों सहित राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय जोगिंदर पाल महाजन को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख दे विचों प्राण निकलणगे बंदे दा मुख खुल जाए, नाशकार विचों प्राण निकलणगे
नासका पुनजन नियत है। अखां विचों प्राण निकलेंगे अखां खुल जांदियां, कन्ना विचों प्राण निकलेंगे कन्न मुड़ने शुरू हो जाते। चार जगह तो प्राण निकलेंगे ना कि समझ लो प्राणी सीधा स्वर्ग दा अधिकारी दस्या। मल मूत्र स्थान गंदगी है, प्राणी के प्राण निकल जाए कोई रिश्तेदारी नहीं, वो एक प्रीत आत्मा है, वो कर्म के नाल प्रभु चरणा का अधिकार है। किन्नी देर फर्ज रखिया जी सौरभ की डुबकी ला के अश्वेधम सहस्त्र यज्ञ पुण्य फल प्राप्त है। पुराने वस्त्र निकालो नए वस्त्र, राम नाम सत्य है। अजे चीजा नजर आ रही है कारा कुठिया धीया पुत्र कोई दसो मरे हुए के नाम को मरिया अज तक की कहने हैं। परमात्मा ने इन्नी लिखी अपना गुणदान करके गुरु चरणा चले, कितने सुंदर है। एक शेजा जी असी लगाने हैं दसो, और पुराने को असी उसके उपर जगाने। प्रवीण जी सब तू पहला उसकी पांच पिंड बेटा है, पांच पिंड क्यों देते हैं दसो? अग्नि देवता नाम चार पिंड चौथे वाले अठ बलिया अस्थियां उठान के वास्ते आओ पंडित जी गल प्रांति करना। पहली गल तो जिथे जाते अज असी दूजे दिन नहीं, तीजे दिन नहीं, चौथे पंजवें दिन नहीं, जब तक बालक के अंग बनते हैं ना नौ महीने जन्म लेता है, इतना ही अंग जिसमें पिंडा के द्वारा बनते हैं ना कि साडा प्राणी पितरियां की पंक्ति में जाके सम ठीक है। अज असी उठाला कर उस तो बाद हम तुम जाना गंगा द्वार। और एक मैं तुम्हें होर गल दसा, माघ महीना सबसे पवित्र महीना, माघ महीने प्राण चले गए अमरा। सतगुरु बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबाग नगर बस्ती गुजरा में सतगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी के पावन जन्मदिन श्री ध्यानपुर पीठाधीश्वर गद्दी नशीन श्री महंत राम सुंदरदास महाराज के आशीर्वाद से महामंडलेश्वर 1008 महंत केशव दास महाराज के पावन सानिध्य में सतगुरु बाबा लाल दयाल जी की जयंती और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में चल रही 5 दिवसीय दिव्य गो कथा को विश्राम दिया गया। कथा के अंतिम दिन करवाए गए संत सम्मेलन में प्रवचनों की अमृत वर्षा करने के लिए कथा वाचक गो भक्त चंद्रकांत ने कहा कि विभिन्न दुखों और पापों से मुक्ति के लिए गो सेवा से अच्छी कोई दूसरी युक्ति नहीं है। संत सम्मेलन में आश्रम के गद्दी नशीन महामंडलेश्वर 1008 महंत केशव दास महाराज, संत समाज की ओर से महंत रामदास, महंत बाबा राजकिशोर, महंत बली रामदास, महंत पवन कुमार दास चब्बेवाल वाले, स्वामी ऋषिराज, महंत पवन दास रुड़का खुर्द, स्वामी मधुसूदन महाराज ने कहा कि धार्मिक कार्यों में भी गाय को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्राचीन ग्रंथों में गाय के संदर्भ में कई विवरण मिलते हैं। इस अवसर पर सांसद सुशील रिंकू की धर्मपत्नी सुनीता रिंकू, आप नेता सनी अंगुराल, युवा भाजपा नेता राजीव ढिंगरा, दविंदर भारद्वाज, कुणाल शर्मा, पंकज मल्होत्रा, लकी मल्होत्रा, योगेश मल्होत्रा, मोहिंदर भगत, अजय चोपड़ा, अनूप सरीन, रामपाल शर्मा, विपन शर्मा, राघव बहल, ऋषि बहल, भगत मनोहर, राजीव वर्मा, अशोक शर्मा व कुमार आशु शर्मा ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद विशाल दीपक भंडारा लगाया गया। इस अवसर पर सेवादार धर्मपाल अरोड़ा, अभिषेक लुथरा, करण बाली, चिराग वर्मा, वरुण वर्मा, जतिन वर्मा, केशव दमन, दीपक गीना, अमन नगीना, चाहत कुमार, मनन वर्मा शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
इतना जो भीड़ आप देख रहे हैं सब पूज्य गुरुदेव महाराज जी का सब प्रयास समझ लीजिए, मेहनत समझ लीजिए, उनका लोकप्रियता समझ लीजिए, उनकी मेहनत है हर एक प्राणी मात्र के जीव मात्र के लिए, उनका समाज में हमेशा समाज को कैसे उठाना है, कैसे जो है समाज को अच्छा दिशा देना है, उनका हमेशा प्रयास रहता था। और ये 42वां सत्संग समारोह है, हर साल 42 साल से निरंतर ये सत्संग चल रहा है, सम्मेलन चल रहा है, इसी साल राम कथा कवि भागवत कथा कवि संत सम्मेलन हर साल बाबा लाल दयाल जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हुआ करता है। इस बार एक साल पहले ही महाराज जी ने चंद्रकांत जी को, जो हमारे माननीय चंद्रकांत जी व्यास गद्दी पर बैठे विराजमान हैं, उनको बुक कर दिए थे, क्योंकि इनका समय एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा देश में भ्रमण करते रहते हैं, देश को जगाते रहते हैं, समाज को जगाते रहते हैं, गौ सेवा करो, देश सेवा कराओ, इनका कर्तव्य है, इनका काम है। अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद महामंडलेश्वर साकेत वासी हमारे पूज्य महान गंगाधर जी महाराज, जिनकी इच्छा हमारे परम पूज्य महाराज जी ने उनके परम शिष्य परम पूज्य परमादनीय महामंडलेश्वर स्वामी हमारे महंत केशवदास जी महाराज, आइए सभी एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए गौ माता की। बहुत छोटा था जब परम पूज्य पाद श्री गंगादास जी महाराज के दर्शन करने के मौका मिला, बाबा लालदयाल प्रताप आदि उस समय के लिए महाराज जी थे। 1986 में मैंने घर छोड़ दिया था, उसके बाद दोबारा जब उनसे मिलन हुआ सन 2020 में, मुझे पहचाने नहीं, मैंने पहचाना हूँ। मैंने कहा महाराज जी मैं भगवान दास पांडे जी का बेटा, इतना प्रसन्न हुए मेरा संन्यास वेश देख करके। मुझे लोगों ने कहा था वही मैं स्मरण करने के लिए श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए आया हूँ। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। आदमपुर में एक्टिवा पर जा रहे दो नौजवान चाइना डोर की चपेट में आए, एक की मौत एक गंभीर घायल। जंडियाला गुरु की ज्योति सर कॉलोनी में लाइसेंसी पिस्तौल की सफाई करते समय चली गोली, मार्केट कमेटी से सेवा मुक्त व्यक्ति की हुई मौत। अमृतसर के CIA स्टाफ 2 की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 नशा तस्करों को किया काबू, 1 किलो 10 ग्राम हेरोइन की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।